दोस्तों हमारे शॉर्ट एंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ कुछ जानकारी जो कि संदर्भित है झारखंड हाईकोर्ट को लेकर के, उसे एक बार ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि क्या प्रोसेस अब होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया था। लेकिन अब जा करके जब एग्ज़ाम की डेट आपके सामने है, 18 से लेकर 24 तक का आपका एग्ज़ाम है, 18 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, अब जा करके इन्होंने सब कुछ क्लियर किया है कि कैसे एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाएंगे। हालांकि इसके पहले कुछ करवाते नहीं थे ये लोग, सारा प्रोसीजर एग्ज़ाम जब आप देने पहुंचते थे कोई एक बैच छूटती थी, उसके बाद ही पता चलता था कि एग्ज़ाम इस तरीके से हो रहा है। हालांकि इस बार बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो बहुत आसान कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट का एग्ज़ाम बहुत ही आसान कर दिया गया है, कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ चुका है। अब यहाँ पर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, इसके माध्यम से मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जैसा कि आपको सबको शायद कुछ ही लोग को पता होगा कि लगभग 7,000 के आसपास जो है फॉर्म सबमिट हुआ है, 7,000 के आसपास बिल्कुल फॉर्म सबमिट हुआ है। और वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर सेंटरों की वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण से जो है एग्ज़ाम 7 दिन में कंडक्ट हो रहा है। लगभग 1,000 या 800-900 कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो इस कारण से जो एग्ज़ाम 7 दिन के आसपास करवा रहे हैं, मतलब 18 से लेकर के 24 तक के बीच में एग्ज़ाम लेंगे। ये तो हुआ एग्ज़ाम के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोसेस समझेंगे झारखंड हाईकोर्ट किस तरह के एग्ज़ाम ले रहा है। हालांकि सब लोग पढ़ ही लिए हैं, फिर भी मैं एक बार इसको डिस्क्राइब कर ही देता हूँ। नंबर 1 पे है, वन पैसेज कंटेनिंग 500 वर्ड्स ईच इन इंग्लिश फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर डिक्टेशन एज ट्रायल। ट्रायल के लिए ही आपको 500 वर्ड का पैसेज बोला जाएगा। अभी आप लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम दिया है, वहाँ पे लगभग 200 से 250 वर्ड बोला था उन्होंने, यहाँ पे आपको ट्रायल में ही 500 वर्ड ये डिक्टेट करेंगे। ओके, उसके बाद बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज टू द कैंडिडेट्स, द ट्रायल पैसेज वुड बी डिक्टेटेड एट द सेम स्पीड एट विच द फाइनल पैसेज वुड बी डिक्टेटेड। ट्रायल पैसेज के जस्ट बाद, जैसा कि आप सबको पता है कि फाइनल पैसेज बोला जाता है, उसको डिक्टेट करेंगे। द ट्रायल पैसेज वुड नॉट बी ट्रांसक्राइब, आपको ट्रांसक्राइब नहीं करना है, आप सबको पता है। ये सिर्फ आपको सिस्टम चेक करना है, अपना कंप्यूटर चेक करना है, साउंड चेक करना है, इसी के लिए आपको ट्रायल पैसेज दिया जाता है। ओके, और यहाँ पर लिखा है आफ्टर द लैप्स ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद जो है आपको फाइनल पैसेज डिक्टेट करेंगे, जो कि वही व्यक्ति बोलेंगे जो आपको फाइनल ट्रायल पैसेज दिए होते हैं, वही बोलेंगे। अब ये साउंड के साथ बोलेंगे, मतलब रिकॉर्डेड होगा या लाइव बोलेंगे, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किए हैं। तो आजकल तो साउंड सिस्टम चल ही रहा है, तो मे भी शायद साउंड से ही बोलेंगे, मतलब रिकॉर्डेड पैसेज होगा। ओके, और आफ्टर द डिक्टेशन फाइनल पैसेज 30 मिनट्स द टाइम। अब यही समझने वाला विषय है कि आपका जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से होगा, 100 WPM पे आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट लेंगे वो। और 5 मिनट का, सॉरी 5 मिनट नहीं, यहाँ पे डिक्टेशन फॉर शॉर्ट हैंड विल बी 5 मिनट्स। जी हाँ, 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, कहने का मतलब आपको 500 वर्ड जो है वो डिक्टेट करेंगे 100 के हिसाब से। ओके, और 30 मिनट आपको टाइपिंग के लिए देंगे। अब उसमें आप पढ़िए और मैटर ट्रांसक्राइब करिए। अब तक क्या था कि बच्चे सब समझ रहे थे कि लगभग 300 350 का डिक्टेशन ये देंगे और 7.5 मिनट की टाइपिंग होगी, उस हिसाब से प्रैक्टिस करवा भी रहे थे और जगह जगह संस्थान में इस तरह चल भी रहा था, क्योंकि इनका प्रोसेस कुछ भी क्लियर था नहीं। लेकिन हम अपने यहाँ अपने बच्चों को पहले से ही 600-700 वर्ड का जो है ट्रांसलेशन करवा रहे थे और अभी भी वैसे ही ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। जो पेड क्लास चलती है हमारी, आप स्क्रीन पर नंबर लिखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रांसलेशन जो है वो 30 मिनट में करना है, 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वो डिक्टेशन देंगे और आपको लगभग 500 वर्ड वो डिक्टेट करेंगे। ओके, टाइपिंग टेस्ट 400 वर्ड वुड बी टेकन सेपरेटली। आपका टाइपिंग टेस्ट अलग से होगा, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट या फॉर्मेटिंग होगा या जनरल टाइपिंग देंगे, इसके बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन 400 वर्ड आपको टाइप करना है। ओके, ध्यान देंगे, 400 वर्ड आपको सेपरेट टाइपिंग टेस्ट भी लेंगे। और अ टाइपिंग टेस्ट फॉर 400 वर्ड्स, सॉरी 400 वर्ड्स वुड बी टेकन सेपरेटली आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनल पैसेज ऑन द कंप्यूटर 10 मिनट्स 40 WPM पर, 40 वर्ड के हिसाब से लेंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंटिन्यू टाइपिंग टिल 10 मिनट्स इन फुल। आप 10 मिनट अगर टाइप कर रहे हैं जिसके बाद ही आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात इन्होंने कहा है कि टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली ये क्वालिफाइंग नेचर का है। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर कि इफ़ दे कैन दैट विल बी काउंटेड इन डिसाइडिंग द स्पीड। ये सिर्फ आपकी स्पीड चेक करने के लिए कि आपकी 40 वर्ड की टाइपिंग है कि नहीं है, उस वजह से जो है ये टाइपिंग टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, क्या इनका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, कि जैसे अभी तो उन्होंने मेंशन किया नहीं है कि यदि हम टाइपिंग टेस्ट अलग से करवा रहे हैं तो ये क्वालिफाइंग नेचर का, तो क्वालिफाइंग नेचर में कितना आप मार्क्स रख रहे हैं इसके बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन यदि आपकी टाइपिंग हो जा रही है 10 मिनट में तो आप उस मेथड को जो है कंटिन्यू टाइप कर सकते हैं। द टाइपिंग टेस्ट वुड बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 9वें नंबर पे, अ पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन द ट्रांसलेशन ऑफ स्टेनोग्राफी एंड इंटरव्यू।
देखिए टोटल नंबर आप जो है ये 100 मार्क्स का है टोटल, ओवरऑल टेस्ट जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट और इंटरव्यू, 90 मार्क्स का आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और 10 मार्क का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को पूरा समझ लिए हैं आप लोग, अब इस हिसाब से आप तैयारी करिएगा, ओके। और कुछ भी जानकारी चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लास लेना हो नंबर लिखा है, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो कुछ भी आपको अलग से जानकारी चाहिए तो मैंने बता दिया आपको, टेलीग्राम से जुड़ जाइए या यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, ओके ठीक है। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।